त्योहारों और शादी ब्याह का सीजन नजदीक है। छोटे अवसरों पर कैश तो बड़े अवसरों पर जमीन, सोने चांदी के जेवरात इत्यादि तक देने का हमारे यहाँ रिवाज रहा है। गिफ्ट मिलने पर खुशी किसे नहीं होती है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में आते हैं। पेशे से टीचर 30 वर्षीय विशाल गेरा की नवंबर में शादी है। शादी है तो छोटे मोटे से लेकर महंगे गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट पर टैक्स लगता है ये जानकर विशाल थोड़े घबराए हुए हैं। उनकी उलझन ये है कि क्या शादी में मिले गिफ्ट पर उन्हें टैक्स भरना होगा। आइए उनके इस उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं। चेक या कैश में मिली 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम, जमीन या बिल्डिंग जैसी अचल संपत्तियां जिसकी स्टाम्प ड्यूटी 50,000 रुपए से ज्यादा हो, इसके अलावा ज्वेलरी, शेयर, गाड़ी व अन्य महंगी चीजें जिनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस पर टैक्स देना होता है। टैक्स कानूनों के मुताबिक एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर टैक्स से छूट है। गिफ्ट की रकम 50,000 से ऊपर जाने पर यह टैक्सेबल हो जाती है। अगर साल भर में आपको 50,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट मिले हैं तो आपको इनकम टैक्स पूरी रकम पर चुकाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको 25,000 रुपए और 28,000 रुपए के गिफ्ट मिले हैं तो पूरी रकम 53,000 रुपए हो गई। ऐसे में ये टैक्सेबल होगी, जो कि आपकी आय में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसे अन्य स्रोतों से आय माना जाएगा। अगर यही रकम 25,000 और 18,000 रुपए यानी पूरे साल में मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू 43,000 रुपए होती है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। गिफ्ट पर टैक्स देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि गिफ्ट दे कौन रहा है। रिलेटिव यानी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे गिफ्ट की रकम 50,000 रुपए से ज्यादा क्यों ना हो। रिश्तेदारों में पति या पत्नी, भाई या बहन, माता पिता, पति या पत्नी के माता पिता समेत अन्य शामिल हैं। इसके अलावा वसीयत या विरासत में मिले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता। आयकर विभाग दोस्त को रिश्तेदार नहीं मानता, इसलिए ध्यान रहे, बिना पारिवारिक रिश्ते वाले संबंधी से मिले 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। शादी ब्याह में सोने चांदी और नकद के रूप में दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी गिफ्ट मिलते हैं। गुड न्यूज ये है कि दुल्हा दुल्हन के हाथ में आने वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। फिर चाहे वो रिश्तेदार से मिले, किसी दोस्त से या फिर ऑफिस के किसी सहयोगी से। शादी के अलावा किसी भी और मौके जैसे जन्मदिन, सालगिरह पर मिले गिफ्ट पर टैक्स लगता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट राज चावला बताते हैं कि हाई वैल्यू गिफ्ट यानी महंगे गिफ्ट मिलने पर आप गिफ्ट डीड जरूर साइन कराएं, ताकि भविष्य में गिफ्ट देने वाला मुकर ना सके। गिफ्ट देने वाले का पैन और आधार की कॉपी या कोई ऐसा दस्तावेज दे लें जिससे ये साबित हो सके कि उसका आपसे क्या संबंध है, ताकि अगर आयकर विभाग पूछताछ करे तो आप प्रूफ कर सकें। इसके अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अगर नॉन रिलेटिव से मिलता है तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय में दिखाएं। रिलेटिव से मिलने पर कर मुक्त आय में रिपोर्ट करें।